आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से। अच्छा भाई जी, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, हर सिंह नेताजी जिंदाबाद। मेरे उजाए तो गया। पप्पी जी, मोहित जी और तमाम मेरे भांजे राजा कुंदन जी और आप तमाम मेरे नौजवान भाइयों, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बुलाकर यहाँ सम्मानित किया, मेरा हौसला बढ़ाया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है और दिल्ली में जो माननीय केजरीवाल जी ने काम किए हैं वो आप सब लोग जानते हैं। अभी केजरीवाल जी ने हॉस्पिटल आप जाके देखिए, स्कूल देखिए, बिजली हो, पानी हो और जो फरिश्ता योजना चलाई है, अगर कोई अकस्मात कोई हो जाए, पहली बात तो होनी नहीं चाहिए, अगर हो जाए तो सरकार सारा पैसा देगी। तो ये कई ऐसी योजना सरकार की है जो केजरीवाल जी ने शुरू की है और वो निरंतर जारी रहेगी। और इसी को सोच समझकर मैं भी आम आदमी पार्टी में गया, क्योंकि मैं भी सेवा की भावना रखता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश में मुझे टिकट मिला और मैं आपके बीच में, आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि कार्यक्रम बहुत था, फिर बीच में बारिश आ गई थी। तो साथियों, मैं नौजवानों से यही प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि आज धर्म का काम नहीं, आज जातिवाद का काम नहीं, आज तो सिर्फ विकास और क्षेत्र का सम्मान करना। कौन आदमी जो विकास दिल्ली का कर सकता है, कौन है जो गरीबों का मध्यम वर्ग के लोगों की मदद कर सकता है? तो साथियों, ये हमें सोचना पड़ेगा। आज चले जाइए बस में, हमारी बहनें हैं, उनका कोई किराया नहीं। और अभी जो केजरीवाल जी ने 10 गारंटी दी है, उसमें नौजवानों के लिए जो बच्चे पढ़ते हैं उनका भी बस में बिल्कुल फ्री सफर होगा। तो इसके लिए भी केजरीवाल जी मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप लोग सब इकट्ठे हुए, आप मेरे लिए काम करेंगे, मुझे विश्वास है। आने वाली 8 तारीख को चौथा नंबर है जहाँ पर मेरा नाम है, फोटो है, उसके सामने झाड़ू का निशान है। आपने अपने मिलने वाले को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को, सबको कहना है कि भाई झाड़ू पे मोहर लगाएं, चौथे नंबर पर मुझे आशीर्वाद दें, फिर मैं आपके बीच में आऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से।